नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेल, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत अच्छे से प्यार से ख़त्म किया था, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में देखे थे, और प्लस हमने NCERT सॉल्यूशन भी किया था, जिससे हमें पता चल गया कि हमारा एप्लीकेशन कितना अच्छा है। वेल, सिमिलरली हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वेल, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत 9th में देखा था, ठीक है। चैप्टर था अबाउट एटम्स मॉलिक्यूल्स, उस पर भी हमने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था। ओके, तो अब अगर बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो 1808 के आसपास, ठीक है, जो सबसे पहले वेल नोन ब्रिटिश स्कूल टीचर जॉन डेल्टन जी आए थे, और उन्होंने ये बताया था कि एटम जो है, ठीक है, वो इंडिविजिबल है। सारे के सारे जो मैटर हमारे आसपास है वो एटम से बने होते हैं। सारे के सारे मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी अलग है बिकॉज ऑफ द एटम, ठीक है। तो उन्होंने ये फाइनली एक कंक्लूजन स्टेटमेंट ये दिया था कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पूरे मैटर का, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं कि हमको एक दीवार बनानी है, तो उसके लिए ब्रिक जो है वो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। अगर बुक बनानी है तो पेज उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, ओके। हमारी बॉडी जो बनी हुई, तो वो सेल्स से बनी हुई है, तो सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो सिमिलरली हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी जिसको मैटर कहते हैं, मैटर मतलब पता है ना, ओके, द मैटर विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वजन होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। जैसे अभी आप मोबाइल के थ्रू मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, तो वो मोबाइल इज़ अ मैटर, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया था कि हर एक मैटर जो है वो एटम से मिलके बनता है। उन्होंने ये कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, ठीक है। बेसिकली एटम का मतलब ही होता है ए मतलब नॉट, ठीक है, टम मतलब कि कटेबल, डिविजिबल, ठीक है। तो वो चीज़ जो डिवाइड नहीं हो सकती है, उसको उन्होंने नाम दिया था बेसिकली एटम। काफ़ी सालों तक, ठीक है, काफ़ी सालों तक ये थियोरी सही भी हो रही थी, क्योंकि तब तक इतना रिसर्च हो नहीं रहा था, ठीक है। पर धीरे धीरे जो दूसरे साइंटिस्ट थे, क्यूरियोसिटी तो आती ही उनके दिमाग में कि ठीक है, बट देखने में कैसा होगा, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से, क्या रीज़न है कि हर एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो अलग होता है, और जबकि एटम के बारे में हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली वो एटम की प्रॉपर्टी जानना चाहते थे, जिसकी वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। लाइक गोल्ड हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, कॉपर हम ज्वेलरी में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आयरन के झुमके नहीं पहनते हैं हम लोग, आयरन को हम लोग बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो क्यों हम अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, और ये जो उनमें कैरेक्टर्स आते हैं वो एटम की वजह से आते हैं। तो एटम में ऐसे क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो इस तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें अलग अलग एलिमेंट के देता है। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज थी, ठीक है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी और स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारे रिसर्चेस हुए, ठीक है। और वो रिसर्चेस जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर मॉडल्स, ये हमने 9th में कुछ नाम देखे थे, ठीक है, इन्होंने ये सारे रिसर्चेस किए थे। एंड एक कंक्लूजन आया, और ये आया कि एटम जो है वो डिविजिबल है, एटम इंडिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो डेल्टन की ये जो थियोरेटिकल अप्रोच था एटम को लेके, वो कुछ हद तक गलत साबित हुआ यहाँ पर। वेल, कोई बात नहीं। तो अब ये हुआ कि भाई एटम जो है वो डिविजिबल है, और एटम के अंदर उस टाइम पे, ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब कि एटम तो एक पार्टिकल है ना, उसके अंदर भी 3 पार्टिकल्स हमें मिले थे, विच आर नोन एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से एटम जो है वो फंक्शन करता है, और इन्हीं की वजह से हम लोगों को सारी विभिन्न विभिन्न चीज़ें, ठीक है, फिजिकल और केमिकल के तौर पर नज़र आती हैं, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और मैटर के फॉर्म में। तो उन्होंने उनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। अब मैं आपको बता दूं कि हालांकि अभी एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर मिल चुके हैं। यस, 35, इतना छोटा एटम जो दिखता भी नहीं है, उसके अंदर भी 35 जितने और पार्टिकल्स हैं। बट खैर, अभी हम लोग सिर्फ 3 जो मेन पार्टिकल्स हैं उसकी ही चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन की। तो ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, जो आपने लोअर ग्रेड्स में रीड किया था, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज था इसके बारे में। अब जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था, और किस तरीके से वो कंक्लूजन पे आए थे कि इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाए।
तो चलते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओर। और मैं हूं आपके एडुकेटर सपना आडवाणी, आप देख रहे हैं आपका ही ब्यूटीफुल चैनल सपना की पाठशाला। शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बेटा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले है ना, हमें इतना पता था कि दो टाइप के चार्जेस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज बोला था और एक को हमने नेगेटिव चार्ज बोला था। तो इसका ज्ञान तो हमें पहले से ही था कि दो टाइप के चार्जेस अवेलेबल है, पर हमें ये नहीं पता था उस टाइम पे कि नेगेटिव चार्ज को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो और कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन ही है। तो उस टाइम पे ये चीज़ हमें नहीं पता थी, पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे वो ज़रूर पता था, ठीक है। तो अब बेसिकली, अच्छा ये भी बता दूँ, विलियम क्रुक ही वॉज एन साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने ही बेसिकली ये वाला सेटअप किया था, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट टू फाइंड आउट कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बारे में, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो खैर ये इन्फॉर्मेशन था, आपको इसमें कुछ आने नहीं वाला। वेल तो पहले हम लोग ये अपैरेटस क्या है ना, उसका डिस्कस कर लेते हैं। इस अपैरेटस को हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड रे ट्यूब, ओके। और ये कैसा ट्यूब है? ग्लास ट्यूब है। उस टाइम पे ना ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्लास ट्यूब में ही किए जाते थे, तो यही वो ट्यूब है, ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि विलियम क्रुक ने सबसे पहले ये ट्यूब को बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, फिर बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी इसका काफ़ी यूज़ किया अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। तो वेल दिस इज़ द कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CRT कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं CRT कहूँ तो समझ जाएगा कि हम कैथोड रे ट्यूब की बात कर रहे हैं, ओके ना। अब क्या क्या सेटअप है? तो देखिए ये पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है। यहाँ पे आपको दो स्ट्रिप्स नज़र आ रही है, दो डंडियाँ नज़र आ रही है, ठीक है। इन दो डंडियों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब देखो बेटा, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। इलेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स मतलब कि डंडियाँ, ठीक है। तो वो डंडियाँ जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं, कंडक्ट करती हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड्स, फाइन। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स थे और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने काफ़ी हैवी वोल्टेज बैटरी के साथ ज्वाइन कर लिया, बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज। अगर मैं आपसे कहूँ तो उस टाइम पे 10,000 वोल्ट जितना वोल्टेज उन्होंने लिया था। क्यों लिया था ये वोल्टेज बताती हूँ मैं। और साथ में आप ये एक ये स्टॉप कॉक देख रहे हैं, ठीक है, ये है वैक्यूम पंप। क्या है ये? वैक्यूम पंप। क्या काम है इसका? इसका काम होता है कि अंदर का जो गैस होगा ना, गैस तो फिल करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो गैस होगा उसके प्रेशर को लो करने के लिए, सो फॉर द लो प्रेशर, ठीक है, उसके प्रेशर को लो करने के लिए वैक्यूम पंप का यूज़ किया जाता है। तो वेल अभी इसके अंदर सारे सारे गैस के पार्टिकल्स भर दिए हैं, एक गैस ले लिया है, ठीक है। ये और उस टाइम पे हम लोगों ने लिया था हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिया था, क्लियर हुआ। वैक्यूम पंप की मदद से हमने इसका प्रेशर काफ़ी लो कर लिया। अब हमने 10,000 वोल्ट, इतना ज़्यादा वोल्टेज क्यों लिया? तो देखो बेटा क्या है ना कि जो गैस होती है, हमें पता है गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि गैस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, मतलब कि वो कंडक्ट करती ही नहीं है। तो अब अगर उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी को डलवाना हो या उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करना हो, उसको गर्म करना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा करंट उसको देना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे 10,000 वोल्ट जितना वोल्टेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 10,000 वोल्टेज इसके लिए यूज़ कर रहे हैं दैट द एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। सो टू मेक एयर गुड कंडक्टर, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, ओके, पॉइंट क्लियर हुई, ओके। नाउ अब जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, पॉइंट सब क्लियर होगी जो जो है यहाँ पर। हाँ एक और चीज़ मैं भूल गई, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा इसको हम लोग कहेंगे कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्म के साथ, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो स्ट्रिप कनेक्टेड होगा इसको हम लोग कहेंगे एनोड, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, कैथोड और एनोड। इतना क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा सेटअप था और इस सेटअप को अपन बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना। अब ये था इसके अंदर
कि जब हम लोग इतना हाई वोल्टेज से करंट पास कर रहे हैं तो अब करंट तो दिखता ही नहीं है, ठीक है, करंट तो दिखता ही नहीं है, पर हमें ये ज़रूर पता है कि भाई ठीक है मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, दी ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रोड्स, तो बट ऑब्वियसली कंडक्शन तो होगा ही, ठीक है, तो करंट तो वो कैरी करेंगे, बट करंट वो कैरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे उन लोगों ने बेसिकली एक एमीटर लगा दिया था, ठीक है, जिसकी मदद से वो डिफ्लेक्शन को देख पाए, ठीक है। तो उन्होंने एमीटर लगा दिया था, पता है ना एमीटर, 10th में किया था हम लोगों ने, ठीक है। एमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कर लिया। अब अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर थोड़ा भी अच्छे से याद हो तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी पूरी पास होती है जब वो पूरा सर्किट जो है वो क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, ठीक है ना, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ठीक है, मेरी बात को सुनना, जैसे कि ये कैथोड है, कैथोड जो है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एनोड जो है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, बट इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दिख रहे हो ना, इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब कि सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करंट पास होगा यहाँ से, बात सोचने वाली है। उसी को ही चेक करने के लिए एमीटर का यूज़ किया गया। जब एमीटर को उन्होंने देखा ना तो इन्होंने ये देखा कि जो निडल है वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो ही रही है, कंटिन्यूस डिफ्लेक्ट हो रही है, ब्रेक हो ही नहीं रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है, ठीक है, डिफ्लेक्शन दिखा ही रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो करंट है वो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, बात आई समझ में, ठीक है, करंट जो है वो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। अब बेटा जब करंट कंटिन्यूस फ्लो होगा तो उसके लिए तो सर्किट कंप्लीट चाहिए, और यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि कैथोड और एनोड को तो कनेक्ट करने वाला कोई वायर अपने लगाया ही नहीं है। तो क्या है, तो क्या है ऐसा, तो उन्होंने ये किया कि ज़रूर, ठीक है, हमें दिख नहीं रहा है बट ज़रूर कैथोड और एनोड के बीच में कुछ तो ऐसा चल रहा है, ठीक है, कुछ कुछ हो रहा है इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। ओके, अब ये चेक करने के लिए, अब रेस तो दिखती नहीं है ना, अब ये चेक करने के लिए क्या करें, तो उन्होंने बोला देखो यहाँ तो कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही होंगी, यहाँ तो एनोड से कैथोड की तरफ, उस टाइम तो पता ही नहीं ना कि कौन रेज एमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, तो क्या कौन रेज कहाँ से एमिट कर रहा है वो तो पता नहीं चल रहा है हम लोगों को, तो क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे एक छेद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, छेद कर लेते हैं, ठीक है। और छेद करने के बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं कि कैथोड के यहाँ पर, ठीक है, हम लोग एक कोटिंग कर लेते हैं, एक कोटिंग कर लेते हैं, इस कोटिंग को अपन नाम देते हैं फ्लोरेसेंट कोटिंग, ठीक है, फ्लोरेस मतलब कि जो बेसिकली कलर्स देती है। ओके, तो ये कोटिंग कर दी फ्लोरोसेंट की। ओके, तो फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी। अब ये था, ये उनका आइडिया था कि देखो भाई अगर एनोड से रेस जाती हैं कैथोड की तरफ तो हमने ये दो छेद किया है, ये छेद से वो रेस जाएंगी, यहाँ टकराएंगी और हमें कुछ ना कुछ ग्लो मिलेगा। अगर हमें ग्लो मिलता है, ठीक है, कुछ भी कलर अपने को देखने को मिलता है तो क्लियर है कि भाई जो रेज है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही, इसके लिए सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है हमारा। ओके, तो उन्होंने जब इसको एक्सपेरिमेंट को दोहराया और उन्होंने पूरा किया तो निराशा हासिल हुई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उनको कोई भी ग्लो नज़र नहीं आया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि एनोड से तो भाई कैथोड की तरफ कोई भी रेस ट्रैवल नहीं कर रही है, ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ जो रेस है वो ट्रैवल नहीं कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने ये प्लेट को, ठीक है, छेद जो था वो मिटा दिया अच्छे से उन्होंने उसको, ठीक है, नया वाला प्लेट लगा दिया और फिर क्या कर लिया, और यहाँ से ये वाला फ्लोरोसेंट कोटिंग हटा दिया, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक छेद कर दिया एनोड की तरफ, सेम करना ही था क्योंकि उनको तो चेक ही करना था ना, ठीक है, और फ्लोरोसेंट कोटिंग जो है वो यहाँ पे कर दी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी। ओके, और जब इन्होंने देखा कि रेज जो हैं, ठीक है, जो रेज हैं वो पास हो रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ, अब रेज तो दिखती नहीं है बट ये अजम्पशन है, ठीक है, जो रेज है वो पास हो रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ, तो जो रेज उस छेद में से पास हो रही है ना वो उस फ्लोरेसेंट कोटिंग के साथ, ठीक है, उसके साथ टकरा रही है और ग्लो कर रही है, मतलब कि कुछ हमें वहाँ पे ग्लोइंग इफेक्ट नज़र आ रहा है,
दैट मीन्स कि यहाँ से क्लियर हो गया कि ये रेज जो है, ये जो कनेक्शन है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, और फिर ठीक है तब जाकर उन्होंने इन रेस को नाम दे दिया कैथोड रेस। क्या नाम दे दिया? कैथोड रेस। समझ आया? अभी तक अपन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक अपन इलेक्ट्रॉन की कोई चर्चा नहीं की है, अभी तो हम लोग से कैथोड रेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इन कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, वो क्यों दिया था बता रही हूँ मैं आगे एक्सपेरिमेंट्स में, बट इस तरीके से कैथोड रे का डिस्कवरी हुआ और स्टडी हुआ। बात समझ में आई? ईजी था, क्लियर हो गया, ठीक है। बट अब ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर नहीं रुका, ठीक है, बट ऑब्वियसली कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानने हैं ना कि कैसा है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो है वो कैथोड से पास हो रहा है, इसके लिए उन्होंने कैथोड रेस का नाम दिया। हमें ये नहीं पता कि ये रेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, हमें उस चीज़ कुछ नहीं पता, ठीक है। तो बिहेवियर चेक करने के लिए हम लोगों को और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने थे, ठीक है। तो अब वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बेसिस पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड रे के हमने देखे। पहले मैं ही चाहती हूँ कि इतना आप अच्छे से लिख दीजिए, ओके, तो आप इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड की ओर। आइए बच्चों देखते हैं अभी हम लोग कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैथोड रे की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जे थॉम्सन ने बताया था, ओके, इन 1897। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी चीज़ें हमें जे थॉम्सन जी ने बताई थी। आइए देखते हैं एक एक करके, देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ये कहता है कि कैथोड रेस, मैं सिया लिख देती हूँ, ओके, कैथोड रेस ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कैथोड रेस ट्रैवल करते हैं। अभी कहाँ से एक्सपेरिमेंट हुआ जो उनको ये चीज़ पता चला? ओके, देखिए शेडो जब भी बनता है ना बेटा, जैसे अभी अगर हम लोग धूप में जाते हैं और हमारा जब शेडो बनता है तो हमें पता है कि सन की रेस स्ट्रेट आती हैं, हम पे फॉल डाउन होती हैं और फिर उसका हमें रिफ्लेक्शन एज अ फॉर्म ऑफ शेडो नज़र आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि शेडो जब भी बनता है दैट मीन्स कि रेस कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइंस होती है। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे ये कंप्लीट इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया था, ठीक है, जैसे कि मैं मान लूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया था और जब रेस आ रही थी, ठीक है, जब ये रेस आ रही थी इस ऑब्जेक्ट से तो सेम, ओके, सेम तरीके से वो यहाँ पर उसका शेडो बन रहा था, ओके। तो ये शेडो जब बन रहा था वहाँ से क्लियर हुआ कि रेस कैसी है, स्ट्रेट लाइन की है। बात समझ आई? ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें ये पता चला था दैट कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ मटीरियल ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कुछ पार्टिकल्स से मिलके बना है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? देखो इसका मतलब ये है, इन्होंने क्या किया था यहाँ पर जब कैथोड रेस पास हो रही थी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक पैडल रख दिया था, एक पैडल ना, एक व्हील, ठीक है, एक जैसे कि इस तरीके का, इस तरीके का, ओके, एक कुछ ऐसे कुछ व्हील रख दिया था। तो जब ये रेस पास हो रही थी ना, ठीक है, तो ये व्हील जो है वो रोटेट कर रहा था। अब सोचो रोटेट करने के लिए तो वजन चाहिए ना, ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ पुश करने वाली हो, पुश कौन करता है? जिसके अंदर कुछ मास होता है, ओके, फोर्स कौन लगाता है? जिसके अंदर कुछ मास होता है। तो इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ तो मास है, तभी तो वो जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है। अगर मास किस में होता है? मास उसमें होता है जिसके अंदर जो एक मटेरियल से बना हो, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स से बना है, जो पार्टिकल से मिलके बना है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज। क्यों, ये किससे पता चला? तो देखो बेसिकली क्या हुआ, मैं इसको रब कर दूँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी कैथोड रे ट्यूब में अलग अलग तरीके से बताए गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जब कैथोड रेस जा रही हैं, तो बेसिकली हमें इतना तो क्लियर हो गया कैथोड रेस स्ट्रेट फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, दैट इज़ तो क्लियर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, दो प्लेट्स रख दिए, समझ लो, यहाँ पे एक प्लेट रख दिया विच इज़ द चार्ज प्लेट रखा, ठीक है, यहाँ पर भी एक चार्ज प्लेट रख दिया, ओके,
यहाँ पे समझो कि पॉजिटिव चार्ज का प्लेट रख दिया सारे के सारे, और यहाँ पे जो चार्ज था वो नेगेटिव रख दिया, ये समझ के चलते। या तो तुम ऐसे भी कंसिडर कर लो, या तो ऐसे भी कंसिडर कर लो कि समझो ठीक है कि ये रेज जो है वो ट्रैवल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक मेटल रखा, यहाँ पे एक मेटल रख दिया, और इस मेटल को ठीक है एक दूसरी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इतना तो समझ सकते हैं ना अपन, ठीक है। अब एक जो है वो पॉजिटिव है और ये जो है वो नेगेटिव है, ओके। तो जब ये रेज पास हो रही थी ना, तो इन्होंने देखा कि ये जो रेज है ना वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, यूँ पास होके यूँ डिफ्लेक्ट हो जा रही है, यूँ पास होके यूँ डिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब हमें तो पता ही है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो विच इंडिकेट्स कि जो कैथोड रे हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। क्लियर हो गया इतना, ओके। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, ओके। ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी हुआ था, ठीक है। तो कैथोड सा नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों से पता चल चुका था, इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी जो हमने ये किया और मैग्नेटिक फॉर्म में भी। मैग्नेटिक इसका मतलब कि जब ये कैथोड रेज जा रही हैं, ठीक है, तो इनके यहाँ पर अच्छा खासा मैग्नेट रख दिया था, और जब वो डिफ्लेक्ट करती हैं तो वो डिफ्लेक्ट भी उसी डायरेक्शन में करती है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा उन्होंने हमें डिटेल नहीं बताया है, बट ठीक है, इतना ज़रूर है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उस तरफ ही वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। तो ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों की मदद से हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँच गए कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है दैट कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन, ओके, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एज वेल एज मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ओके। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, आपको जब मैंने ये पहला एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया था यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस यूटिलाइज्ड हुआ था उसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग गैसेस भी ली, तो इसके अंदर अलग अलग गैसेस लिए, तो अलग अलग गैसेस में उनको पता चला कि बिहेवियर तो सेम ही कर रहा है, उसका बिहेवियर कुछ अलग आ ही नहीं रहा है कैथोड रेज का। तो दैट मीन्स कि कैथोड रेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम हाइड्रोजन गैस लो, हीलियम गैस लो या आर्गन गैस लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, इन्होंने जो प्लेट रखी थी ना कैथोड एनोड की, मेटल की प्लेट, ठीक है, तो ये मेटल का जो प्लेट है उसको भी चेंज कर दिया, ठीक है। सपोज़ कि एक बार उन्होंने आयरन का रखा होगा, फिर कॉपर का रखा, इस तरीके से उन्होंने मेटल को भी चेंज करते गए, और फिर उन्होंने सेम बिहेवियर नोटिस किया, ठीक है। बिहेवियर तो ये वाले सारे बिहेवियर उन्होंने सेम नोटिस किए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग मेटल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो मेटल का मटेरियल और नेचर ऑफ द गैस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज के अंदर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ओके। जब उन्होंने बिहेवियर देखा, ठीक है, तो उन्होंने बिहेवियर ऐसा देखा कि जब कैथोड रेज यहाँ पे जाती हैं और एनोड के वो जो नहीं हमने छेद कर लिया था और वो फ्लोरोसेंट वाला जो था उसे टकराती हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्लोरेसेंट की कोटिंग कई बार वैसे पूछेंगे तो नहीं, बट ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, जनरली ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है फ्लोरेसेंट इफेक्ट के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो नाउ, अब जब ये रेज जाती हैं, तो जब रेज जाती है ना, तो जब उन्होंने मेटल का मटेरियल चेंज किया, जो गैस है उसका नेचर चेंज किया, तो हर बार उनको एक ही कलर नज़र आया, दैट इज़ ग्रीन कलर। तो ये क्लियर हो गया कि कैथोड का जो बिहेवियर है, ओके, दैट मीन्स कि कैथोड रे प्रोड्यूसेस ग्रीन फ्लोरेसेंस, ठीक है, ग्रीन फ्लोरेसेंस। ये तो ये बिहेवियर उनको हर बार सेम नजर आया, ग्रीन कलर जो है, ठीक है, वो अपन को पता चल जाता है। सिक्स बिहेवियर एक और देख लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी, कि कैथोड रे जो है ना वो प्रोड्यूस करता है एक्सरेस, ठीक है, कैथोड रेज एक्सरेस प्रोड्यूस करते हैं, कब प्रोड्यूस करते हैं, ओके, व्हेन दे स्ट्राइक विथ हैवी मेटल, ठीक है, हैवी मेटल के साथ जब वो स्ट्राइक करते हैं ना, तो उनके रेज की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, जैसे कि टंगस्टन आ गया हैवी मेटल में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे टंगस्टन हुआ, तो कैथोड रेज सिंपल निकल रहा है, वो टकराया, ठीक है, किसके साथ, टंगस्टन के साथ टकराया, तो उसके बाद
ठीक है, उसके बाद जब वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा वो एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सरेज का मतलब है कि उनका उसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, अब बेसिकली क्या है ना, मैं इसको रब कर दूँ पहले, अच्छे से बताऊँ आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलो एक और पॉइंट इसके तौर पे लिख देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, अब कैथोड रेस का जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, मतलब जो छेद करने का, ओके, पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है छेद करने का जो उनका होता है वो ज़्यादा छेद नहीं कर पाती हैं। ठीक है, सो कैथोड रेस पेनिट्रेटिंग पावर इज लो। ओके, जैसे अगर थिन फॉइल आप ले लो ना, जैसे अपना एल्यूमिनियम फॉइल घर पे होता है वो बहुत थिन होता है तो उसको छेद कर लेगी, बट यहीं पे अगर एल्यूमिनियम फॉइल की थिकनेस तुम बढ़ा दो ना तो वो उसको छेद नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली कैथोड रे का जो पावर है छेद करने का काफ़ी कम है, बट जैसे ही वो एक्सरेस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका जो पावर है वो बढ़ जाता है। और यही रीज़न होता है कि अगर हमें हमारे अंदर के जो बॉडी का स्कैनिंग करना होता है, जब हड्डी वड्डी टूट जाती है तो नहीं एक्सरे करवाते अपन, ठीक है, तो एक्सरे जो करवाते हैं वो एक्सरेज कहाँ से आती है, वो यहीं से ही आती है, तो उसके अंदर जो उसका पावर है, ठीक है, अंदर घुसने का जो पावर है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो जब भी कैथोड रे किसी हैवी मेटल के साथ टकराएगी तो फिर उसकी प्रॉपर्टी में ये बदलाव आएगा कि वो एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगी। तो उन्होंने उसको नाम दिया था एक्सरेज। एक्स क्या होता है? बेसिकली एक्स इज़ अ अननोन फैक्टर। ठीक है, तो कैथोड रे क्या था वो अपने को पता चल गया, बट इसके बाद ना वो एक नया जो बिहेवियर था ना उसके बारे में समझ नहीं आता, तो उन्होंने उस बिहेवियर को एक्सरेज का नाम दे दिया था। तो अभी तक हम लोग उसको एक्सरेज के नाम से ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसका बिहेवियर है। क्लियर हुआ बेटा? एक और कैरेक्टर देख लेते हैं हम लोग इसका। वो कैरेक्टर ये है कि कैथोड रेस प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो। क्या प्रोड्यूस करता है वो? हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और खैर वो बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है कि जब कैथोड रे ट्रैवल करेगा विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो जब वो जाएगा तो यहाँ की जो एयर होगी उसको गर्म करेगा, तब भी तो ट्रैवल कर पाएगा ना। ठीक है, बेसिकली वो गैसेस पार्टिकल्स ही तो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उनको वो गर्म कर लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट तो आना ही, वो हम लोगों ने 10th में किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, कि जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होने वाला है, तो इसके लिए CR प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो फाइनली थॉमसन जी ने ये बता दिया कि कैथोड रेस को, ठीक है, कैथोड रेस आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, दे आर नेगेटिव चार्ज बेसिकली, तो नेगेटिव चार्ज को उन्होंने बाद में नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दे दिया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। समझ आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का भी मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो इतना हाई वोल्टेज डाल रहे तभी तो अपन कैथोड रेस दिख पाए ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का शब्द आ गया। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया रेदर देन द कैथोड रेस। इतना समझ आ गया? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मास, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो पहले इतना हम लिख दीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लिख दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन की बातें करने। ना बेटा, अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो अपन को क्लियर हो गया। ठीक है, कैथोड रे से किस तरह हमने उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था वो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो ये आती है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, वजन क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, ठीक है, इफेक्ट देखा कि ना वो पेडल को रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर पेडल को रोटेट कर रहा है मतलब मास तो होना चाहिए उसके अंदर, तो उसका मास क्या है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, मतलब चार्ज तो है ही, तो चार्ज क्या होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज और मास, ठीक है, निकालने के लिए अगेन जे जे थॉमसन ने 1897 में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें अलग अलग गैसेस लिए, ठीक है, और अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स भी चेंज किए। तो उनको हर बार, ठीक है, हर बार एक्सपेरिमेंट में उनको एक ही चीज़ मिला, दैट इज़ द स्पेसिफिक चार्ज। उनको एक चार्ज मिलता गया इलेक्ट्रॉन का, ओके, और उसकी वैल्यू उनको हर बार मिली 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, कूलम पर ग्राम उनको ये हर बार ये सेम चार्ज मिला, मतलब सेम स्पेसिफिक चार्ज मिला, नॉट द चार्ज, सेम स्पेसिफिक चार्ज मिला। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कुछ आया था 1897 में, ठीक है, बाय द थॉमसन, जे जे थॉमसन सर, उन्होंने ये चीज़ पूरी बताई। उसके बाद तकरीबन, ठीक है, 1917 के आसपास मिलिकन, ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, डबल एल आएगा शायद,
ठीक है, मिलिकन जी ने हम लोगों को एक और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करवाया था, ये एक्सपेरिमेंट की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था, चार्ज, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई थॉमसन जी के हिसाब से स्पेसिफिक चार्ज आ रहा है 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, और यहाँ पे उन्होंने चार्ज बताया। तो अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज को देखूँ दोबारा से, तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो बेसिकली कूलम अपॉन ग्राम, मतलब कि चार्ज अपॉन मास है ये, ओके, ये चार्ज अपॉन मास हुआ देखा जाए तो, ठीक है। तो चार्ज अपॉन मास की जो वैल्यू है वो आ रही है 1.76 × 10⁸, ठीक है। और चार्ज तो हमें पता चल चुका एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6। तो अब अगर हम लोग इस चार्ज की जगह 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम लगा दें, ठीक है, ये कूलम लगा दिया, ये मास आया, और ये क्या आया 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है, ये स्पेसिफिक मास आया। सॉल्व करें इसको, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम अपॉन 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, कूलम कूलम कट गया, ठीक है, मास आ गया, तो आपको यहाँ पे जो मास नज़र आएगा वो आएगा 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम, ठीक है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये मास है इलेक्ट्रॉन का। अगर तो केजी में लेना है तो आप केजी में भी ले सकते हो, 9.11 × 10⁻³⁹ केजी, ठीक है, ये केजी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में और उन सब में थियरीज में इसका बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। आपको अगर स्पेसिफिक चार्ज याद नहीं रहता तो इट्स ओके, बट आपको ये दोनों चीज़ें बहुत याद करनी पड़ेंगी, आपको रटना ही है, दैट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमने टेंथ में भी किया था, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में बिठा देनी है, क्लियर। बाय समय कैलकुलेशन उनको आप डिवाइड करोगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंक्लूड करना चाहें तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे, इतना सब तो हमने डिस्कवरी कर ली। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट पूछा जाएगी, अब बता दो इलेक्ट्रॉन भाई है क्या, फाइनली कंक्लूजन दे दो अपने को, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम विच कैरीज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या वन यूनिट चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिखते हैं, ई माइनस लिखते हैं ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, वन है, ठीक है। तो वन यूनिट चार्ज एंड हैज मास ऑफ नियरली इक्वल टू 1/1837, ओके, पार्ट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन का एक एटम ले रहे हो, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर आप हाइड्रोजन का एक एटम ले रहे हो तो उस एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1/1837 पार्ट है, मतलब सोचो कितना छोटा हुआ, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 0.0000, मतलब पता नहीं कितने जीरो आएंगे, उसके बाद कोई नंबर आएगा शायद, ठीक है, मतलब इतना छोटा हुआ, समझ आया, ठीक है, क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। समझो कि आपके पास हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का वजन जो है वो 2000 है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का वजन क्या हो जाएगा, 1/2000, ठीक है, 1/2000, इतना छोटा वजन हुआ उसका, क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को कंक्लूड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर वो फंडामेंटल चार्ज है, पार्टिकल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक यूनिट चार्ज होता है, मतलब माइनस वन चार्ज होता है, और उसका वजन जो है वो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज़ अ लाइटेस्ट एटम, पता है ना अपने को, ठीक है, 118 में सबसे सबसे हल्का फुल्का जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही है। तो हम अगर उससे भी कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसके भी 1/1, ठीक है, 1837 टाइम्स छोटा है वो, इतना हल्का है, ठीक है, इतना ज़्यादा वो लाइट वेट का है। इस तरीके से हम उसका मास भी डिटरमाइन कर लेते हैं।
तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रॉन, तो आप ये वाला डेफिनेशन वहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा इसको पहले लिख दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। सो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिनिश किया। आई होप कि आपको अच्छे से सब समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं अबाउट द प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ था, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि उनके बारे में साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा था और क्या क्या मज़ेदार बातें हमारे सामने आएंगी। वेल, अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसको अच्छे से रेफर कर लीजिए, आपके फ्रेंड्स, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को रिकमेंड कीजिए अगर आपको लगता है मैं अच्छा करवाती हूँ और आपको समझ में भी आता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।